देखें, दिल्ली के रोहिणी में बाबा साहब अंबेडकर हॉस्पिटल में दर्जनों सिक्योरिटी गार्ड की गुंडागर्दी भी देखने को मिली है। सिक्योरिटी गार्ड्स ने पथरी का इलाज कराने आए मरीज की जम करके पिटाई कर दी। इसके बाद अस्पताल में जमकर हंगामा हुआ। बाद में सैकड़ों की संख्या में पहुंचे लोगों ने गार्ड्स को भी जमकर पीट दिया। भारी हंगामे के बाद पुलिस बल पहुंचा हॉस्पिटल में, तैनाती कर दी गई है पुलिस बल की, लेकिन ये गुंडागर्दी जरूर दिखाई दी है यहां पर। बाबा साहब अम्बेडकर हॉस्पिटल रोहिणी में और इसी हॉस्पिटल में हम दिखाएंगे पहले वो नजारा कि ये देखिए आप, सरकारी हॉस्पिटल के दरवाजे तोड़ दिए गए। क्या कुछ वजह हैं, तमाम यहाँ पे गार्ड्स हैं, कुछ गार्ड्स ऐसे हैं जिनकी हालत सीरियस है जो कि सीधे बेड पे लेटे हुए हैं, लेकिन कुछ लोग समझ देते हैं कि भैया आप लोग थे, क्या कुछ हुआ था? यहाँ 15-20 आदमी आए थे जो कि धक्का मुक्की करके पहले दरवाजा तोड़ा, फिर हमारा गार्ड को पकड़ के कैच करके नीचे गिर के लात घुसे और लात एक दोनों वाका को लात मारी। फीमेल के भी उनका ये भी जख्म देख रहे हैं। अभी कैसी हालत है रामपाल जी? अभी हालत इनकी नाजुक है। कितने सीजे लगे? 12 सीजे। तो ये तरह के हालात है क्योंकि ये आम जनता थी यहाँ पर, आम जनता ने हॉस्पिटल तोड़कर गार्डों के साथ जो मारपीट की, उनका साफ तौर पर ये कहना था कि डॉक्टर इलाज करने से मना कर रहे थे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, फिल्म